इंडिया में एक्सेल 6 अवेलेबल है, बट क्या हो अगर किसी को एक्सेल ही चाहिए बट 7-सीटर के साथ? वो थर्ड रो में थोड़ी 3 बंदे बिठाएगा। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक्सेल 7 एंड बताऊंगी क्या क्या फ़र्क आ जाता है एक्सेल 6 में एंड जिसके सेकंड रो में जनरली 3 लोग बैठ सकते हैं कि नहीं, और थोड़े बहुत चेंजेस भी एक्सेल 7 में, वो सब कुछ डिस्कस करेंगे डिटेल में। स्टार्ट करेंगे इसके फ्रंट डिज़ाइन से। काफ़ी सिमिलर फ्रंट डिज़ाइन मिल जाता है जो कि आपको एक्सेल 6 में भी ऑफर किया जाता है, एंड वही शेप के आपको क्वाड हेडलैम्प्स ऑफर किए जाते हैं, क्वाड रिफ्लेक्टर हेडलैम्प्स। नीचे तरह देखोगे आपको जो इंडिकेटर है वो आपको बल्ब ऑफर किए जाते हैं, एंड नीचे और जाओगे तो बल्ब भी आपको फॉग लैम्प ऑफर किए जाते हैं, बट एटलीस्ट फॉग लैम्प है। नेक्स्ट, फ्रंट में आपको थोड़ा कुछ मिसिंग लगेगा, वो है इसका कैमरा जो कि आपको एक्सेल 6 में ऑफ़र किया जाएगा। मुझे जो लगता है कि जब इंडिया में एक्सेल 7 ऑफ़र की जाएगी उसमें फीचर्स वही वाले होंगे, बट सीट जो आपको है वो 7 ऑफ़र की जाएंगी, बट कुछ एडिशनल फीचर भी आपको मिलेंगे जो इसमें आपको बताने वाली हूँ। साइड प्रोफाइल भी आपको एक बड़ी कमाल की चीज़ दिख रही होगी, इसके अलॉय व्हील्स कम्प्लीटली ब्लैक आउट, एंड ये न्यू कलर है, इसके साथ बहुत ही सूट कर रहे हैं। ये 18 इंच के अलॉय व्हील्स हैं जो कि आफ्टर मार्केट लगाए हैं। ये इन्होंने बताया है कि आप कुछ इस तरह इसको मॉडिफाई करवा सकते हो और अपनी गाड़ी के लुक को और इन्हेंस कर सकते हो। फ्रंट में आपको वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक ऑफर की गई है, एंड बता दूँ ये जो अलॉय व्हील्स हैं ना रेसिंग आर के हैं, बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं, एंड आपको क्लैडिंग मिल जाती है इस तरफ। साइड प्रोफाइल है, सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ इसकी डायमेंशन। ये एक्सेल 6 से 5 mm लंबी है, यानी कि लेंथ इसकी बड़ी है, फिर भी मैं एक्सेल 6 एंड एक्सेल 7 की डायमेंशन यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, आपको काफ़ी बढ़िया आइडिया हो जाएगा। साइड प्रोफाइल पे आपको बॉडी कलर ORVM विद इंटीग्रेटेड इंडिकेटर के साथ, एंड आपको रिक्वेस्ट सेंसर दोनों की तरफ ही ऑफर किए जाते हैं, ड्राइवर साइड भी एंड को ड्राइवर साइड भी। इसका बेनिफिट होता है आपकी पॉकेट्स में की होती है, जस्ट आपको बटन प्रेस करना है आपकी गाड़ी अनलॉक हो जाएगी। मिनिमलिस्टिक आपको साइड क्लैडिंग मिल जाती है ड्यूल टोन में, जैसे कि आपको मैट ब्लैक एंड थोड़ी सिल्वर फिनिशिंग के साथ, और रूफ रेल्स आपको प्रॉपर इसमें ऑफर किए जाते हैं, ये भी सिल्वर फिनिशिंग के साथ, यानी कि इसमें आपको कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही बढ़िया मिलता है, एंड इसका न्यू कलर है, आई होप इंडिया में भी ये कलर आए। पीछे की तरफ देखोगे आपको 18 इंचेस के अलॉय व्हील्स सेम, बट फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक ऑफर की जाती है, अनफॉर्चुनेटली रियर में आपको ड्रम ब्रेक ऑफर की जाती है। ये इंडिया में भी ऐसे है, मुझे लगता है कि डिस्क ब्रेक देनी चाहिए थी एटलीस्ट इसके टॉप मॉडल में। रियर प्रोफाइल में आपको प्रॉपर फीचर जैसे कि डीफॉगर, वाइपर, हाई स्टॉप लैम्प, वॉशर एंड इसका रियर पार्किंग कैमरा। जैसे कि मैंने बताया इसमें 360 डिग्री कैमरा नहीं मिलता, बट इंडिया में जब आएगी 360 डिग्री व्यू कैमरा के साथ ही ऑफर की जाएगी। सॉरी बहुत सारे लोग आ रहे हैं, एंड इस तरफ आपको एल शेप के प्रॉपर बल्कियर टेल लैम्प्स ऑफर किए गए हैं जो कि LED है, बट इंडिकेटर आपको बल्ब ऑफर किया जाता है। सुजुकी की आपको बैजिंग मिल जाती है, एंड इस तरफ एक्सेल 7 यानी कि 7-सीटर। नीचे की तरफ आपको रियर स्किड प्लेट ऑफर की जाती है, एंड एक चीज़ बताना चाहती हूँ इसमें आपको 2 रियर पार्किंग सेंसर ऑफर किए जाते हैं। हालांकि इसका जो साइज़ बड़ा है यानी कि इसकी प्रॉक्सिमिटी ज़्यादा होगी आई थिंक, इस वजह से इसका साइज़ थोड़ा बड़ा रखा गया है, बट अनफॉर्चुनेटली ना साइड प्रोफाइल अच्छी लगी, फ्रंट प्रोफाइल भी अच्छी लगी, बट स्पॉइलर मुझे लगता है इसमें थोड़ा सा दे देते तो काफ़ी इन्हेंस हो जानी थी इसकी रियर प्रोफाइल। अब प्रॉपर फैमिली कार है ये, तो फैमिली जब ट्रिप पे जाएगी तो सामान कहाँ रखेगी? ऑब्वियसली बूट स्पेस में, बट कितना सामान रख सकते हैं वो आपको दिखा देती हूँ। 209 की बूट स्पेस मिल जाती है। देखो जब भी कोई मैंने 7-सीटर होती है ना तो उसमें बूट स्पेस अनफॉर्चुनेटली कम हो जाती है, बिकॉज 3 सीट जब प्रॉपर रो यूज़ होती है, बट इसमें ऐसा नहीं है, प्रॉपर 3 रो यूज़ करने के बाद भी आपके पास बूट स्पेस बच जाती है। और अच्छी चीज़ ये है कि आपको और एडिशनल बूट स्पेस मिल जाती है, 209 प्लस एडिशनल आपको बूट स्पेस मिल जाती है, और छोटी मोटी नहीं, काफ़ी ज़्यादा सामान आप रख सकते हो। और अगर आप इसको 6-सीटर की तरह यूज़ कर रहे हो तो आप इनको आगे फोल्ड कर सकते हो। एक मिनट, हम इसको फ्लैट, पहले मैं हेडरेस फोल्ड कर देती हूँ, फ्लैट दोनों सीट में फोल्ड करूँगी इनको, तो आपके पास बहुत ज़्यादा बूट स्पेस बन जाएगी। लाइक 5-सीटर की तरह यूज़ करने के बाद आपके पास कितनी बूट स्पेस
बन जाती है, आप देख सकते हो। ओके, सो इसकी जो थर्ड रो है ना, उसकी सीट 90 पे भी रिक्लाइन रहती है, ना कि 90 डिग्री एंगल पे, और इसको फुली रिक्लाइन भी किया जा सकता है। लाइक अगर बच्चे यूज़ कर रहे हैं तो आप 90 पे कर सकते हो, ताकि आपके पास और एडिशनल बूट स्पेस बन जाए, ताकि सीधे सीधे आप बैग यहाँ पे रख सको। अब चेक करते हैं कि अंदर बैठने में स्पेस कितनी है एंड फीचर्स कौन से आपको मिल जाते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको सजेस्ट करूँगी, इन्वॉल्व वन मस्ट की कार परफ्यूम, जो मैं पर्सनली यूज़ करती हूँ। एक तो मेड इन इंडिया है, बिल्कुल भी लीक नहीं होते। चाहे आपके पास छोटी गाड़ी हो चाहे बड़ी गाड़ी हो, आगे से लेके पीछे तक इसकी फ्रेग्रेंस जाती है। चाहे आगे पर्सन बैठो चाहे पीछे पर्सन बैठो, पूरी फील होने वाली है इसकी फ्रेग्रेंस। जैसे एक्सपेंसिव बॉडी परफ्यूम होते हैं ना, वैसे आपको फील आने वाली है। तो मेरे कहने पर ट्राई ज़रूर करें, आप बार बार डेफिनेटली इसको ट्राई करोगे और काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है, 2 से 3 महीने तो चल जाता है आराम से। एक्सेल 7 का मेन हाईलाइट उसकी सेकेंड रो, बिकॉज एक्सेल 6 की सेकंड रो में आपको 2 सीट मिलती है, यानी कि कैप्टन सीट। जो एक्सेल 7 की सेकंड रो, उसमें तीन लोग बैठ सकते हैं, बट कितने कंफर्टेबली वो मैं बता देती हूँ। देखो, सीट के कंफर्ट में कोई भी मुझे प्रॉब्लम नहीं हो रही, आराम से मैं बैठ सकती हूँ। और इवन इतनी बड़ी विंडो मुझे मिल जाती है, वाओ सीरियसली। सो अभी जो सेकंड रो है, यानी कि इसमें 3 लोग बैठ सकते हैं कि नहीं बैठ सकते, डेफिनेटली इसमें 3 लोग बैठ सकते हैं, डेफिनेटली इसमें अडल्ट बैठ सकते हैं, बिकॉज इसमें जो टनल है ना वो ना के बराबर ही है। आप देख रहे हो यहाँ बैठी हूँ, अंडर थाई सपोर्ट मुझे प्रॉपर मिल रहा है, नी रूम मुझे प्रॉपर मिल रहा है, हेड रूम में कोई भी दिक्कत नहीं आ रही। अब हम बैठेंगे सेंटर में बैठी हूँ, तो यहाँ पे मुझे कोई अंडर थाई सपोर्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। इवन जो दूसरी कार्स होती हैं 7 सीटर, उनमें तो बड़ी मुश्किल से अंडर थाई सपोर्ट मिल पा रहा है साइड पे, बट मुझे सेंटर में भी प्रॉपर स्पेस मिल पा रही है। और इवन कंफर्ट ऐड हो जाता है एडजस्टेबल हेडरेस्ट से, तो आराम से मैं यहाँ पे बैठ सकती हूँ और इन्जॉय ले सकती हूँ एसी का, बिकॉज पूरी प्रॉपर हवा आएगी आगे से और थर्ड रो तक जाएगी, बिकॉज ऊपर तक रखें ताकि जो थर्ड रो के लिए पैसेंजर है ना, उनको भी प्रॉपर पीछे एसी की हवा जा सके। यस, अब स्पेस बता देती हूँ कि मुझे सामान कहाँ रखना है। सामान पॉकेट मिल जाता है, यहाँ पे पॉकेट प्रॉपर मिल जाती है, काफ़ी डीप पॉकेट्स है, मैं बहुत सारा सामान रख सकती हूँ इसमें। एंड ये दोनों साइड पे भी पॉकेट्स मिलती हैं, एंड साइड पे भी एक बड़ी बॉटल रख सकते हो, टिश्यू पेपर, न्यूज़पेपर, बुक्स यहाँ पे रख सकते हो। सेंटर के लिए, अब चार्जिंग के लिए आपको USB टाइप पोर्ट्स तो नहीं ऑफर किए जाते, बट 12 वोल्ट का सॉकेट जरूर मिल जाता है। USB टाइप पोर्ट देने चाहिए थे इनको, बिकॉज आगे भी आपको 12 वोल्ट का सॉकेट मिलता है, सेकंड रो में भी, थर्ड रो में मैं बताऊँगी क्या मिलता है। एंड फ़ोन के लिए, स्टोरेज के लिए आपको छोटी सी स्पेस मिलती है, लाइक छोटे फ़ोन रख सकते हो, बड़े फ़ोन मत ही रखना, थोड़ा रिस्क हो जाता है, ये ना हो कि गिर के पैरों के नीचे आ जाए, टूट जाए वो सी स्क्रीन। सो ध्यान रखो अपने फ़ोन का। अब चलते हैं इसकी थर्ड रो में, पहले स्पेस दिखाऊंगी आपको, फिर फीचर्स की बात करेंगे। ओके, सेकेंड रो मैंने अपनी कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से सेट करी है। देखो, मैं आराम से इस पर बैठ सकती हूँ और इवन भी मैंने प्रॉपरली रिक्लाइन करा है। तो अब थर्ड रो में चलते हैं, इसको हम करेंगे फोल्ड, इसको हम करेंगे आगे को स्लाइड। अच्छी खासी स्पेस मिल जाती है अंदर जाने के लिए, एंड अच्छी चीज़ इसकी मुझे लगी है, जो ग्राउंड क्लियरेंस है उसका बेनिफिट ये हो जाता है कि आप हाइट थोड़ी नीचे है, लाइक बड़े लोग जो हैं या फिर बच्चे हैं वो ईजिली पीछे जा सकते हैं, तो मैं ईजिली जा रही हूँ, बट थोड़ा सा ध्यान ऑब्वियसली रखना पड़ेगा अगर जो लंबे पर्सन हैं। अब हम बैठ चुके हैं, ये 90 डिग्री फोल्ड, इसको मैं फुली रिक्लाइन कर देती हूँ। तो देखो, अगर लॉन्ग ट्रिप है तो मैं आराम से डेफिनेटली बैठ सकती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं आ रही ऑनेस्टली। बट हाँ, अंडर थाई सपोर्ट में थोड़ा सा मुझे लग रहा है थोड़ा कम है, बट नी रूम मुझे प्रॉपर मिल जाता है, तो इस वजह से वो कंपनसेट उसको कर रहा है। हेड रूम में आप देख सकते हो मुझे कोई दिक्कत नहीं आ रही, मेरी हाइट 5 फीट 4 इंचज़ है, 2 लोग आराम से बैठ सकते हैं। एडजस्टेबल हेड रेस्ट अगर मैं करूँगी तो आराम से बैठ सकती हूँ, देखो कंफर्ट तो ऐड हो गया। ऑब्वियसली कई लोगों को पीछे बैठना अच्छा नहीं लगता, सफोकेटेड सा महसूस होता है, बट उसका सलूशन है बड़ी वाटर विंडो, पूरा क्लियर व्यू मैं देख सकती हूँ, मुझे कुछ भी ऐसे सफोकेशन महसूस नहीं हो रही। और अगर मैं ड्रिंक मेरी है कोल्ड ड्रिंक एंड मेरे पास बॉटल है, तो मैं यहाँ पर रख सकती हूँ बॉटल अपनी, जो इधर पर्सन बैठा है वो अपनी बॉटल रख सकता है। और अगर मुझे अपना फ़ोन चार्ज करना है तो
12 वोल्ट का सॉकेट भी पीछे ऑफर किया जाता है, तो आपको बस अडेप्टर लाना पड़ेगा जिससे आप फ़ोन अपना चार्ज कर सकते हो। और अगर कहीं खड्डे वगैरह में हो गाड़ी, लाइक ऑफ रोडिंग कर रही है थोड़ी सी, तो मैं यहाँ से हैंडल पकड़ सकती हूँ, अपने आप को संभाल सकती हूँ। सेफ्टी के लिए प्रॉपर सीट बेल्ट दोनों को ऑफर की गई है। पीछे बैठे पर्सन तो सीट बेल्ट ज़रूर लगाए, चाहे थर्ड रो पे पर्सन बैठे हैं एंड चले सीट बेल्ट लगा लेते हैं। और चलो कोई नहीं, गाड़ी कौन सा चल रही है। अगर मुझे बुक रीड करनी है तो उसके लिए आगे लाइट मिलती है। मुझे लगता है कि पीछे भी एटलीस्ट लाइट होनी चाहिए थी, बट इट्स ओके। इन छोटी छोटी चीज़ों की वजह से इसका फिर प्राइस भी उस हिसाब से कम रखा गया है ना। एंड प्रॉपर थ्रो मिल जाता है मुझे, बिकॉज अर्टिगा जैसा ही आपको एसी वेंट्स ऑफर किए जाते हैं, तो उसमें मैं पीछे प्रॉपर बैठी हूँ, जो एक्सल 6 है उसमें मैं प्रॉपर बैठी हूँ, तो पूरा थ्रो पीछे तक आता है, तो आपको यहाँ पे हवा एसी की प्रॉपर लगने वाली है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बैठ तो मैं गई हूँ, बट उतरने कितना ईजी वो भी आपको दिखा देती हूँ। तो आप ईजिली उतर सकते हो, बट थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा, अगर बस सिर ना हिट कर जाए तो थोड़ा सा झुक के बाहर आए। अब मेन आता है इसका इंजन। देखो, जो थाईलैंड में आपको एक्सएल 7 ऑफर की जाती है ना, उसमें K15B इंजन ऑफर किया जाता है, 1.5 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड जो पहले आता था। यहाँ पे अपडेशन नहीं हुई है इंजन में, बट हमारे इंडिया में आपको 1.5 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड स्मार्ट स्ट्रीम इंजन ऑफर किया जाता है, जो कि स्मार्ट हाइब्रिड विद आइडल स्टार्ट स्टॉप टेक्नोलॉजी के साथ। उससे क्या बेनिफिट होता है कि जब आप गाड़ी स्टार्ट करते हो तो थोड़ा सा आप छोटी सी मोटर लगी होती है जो आप थोड़ी सी पावर देती है स्टार्ट करने में, ताकि इंजन पे ज़्यादा जोर ना पड़े, एंड इवन रेड लाइट पे भी हेल्प करती है। जब ये एक्सएल 7 इंडिया में लॉन्च की जाएगी तो आपको न्यू इंजन के साथ ऑफर की जाएगी, एंड थाईलैंड में आपको 4-स्पीड टॉक कन्वर्टर, आपको नहीं, थाईलैंड वाले लोगों को 4-स्पीड टॉक कन्वर्टर ऑफर किया जाता है, जो कि हमारे 6-स्पीड टॉक कन्वर्टर ऑफर किया जाता है। तो डोंट वरी, प्रॉपर 1.5 लीटर का K15C इंजन, जो न्यू इंजन है, विद 6-स्पीड टॉक कन्वर्टर के साथ एंड ऑब्वियसली मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ, 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ऑफर किया जाएगा। ये छोटी छोटी चीज़ें, थोड़ा सा डिफरेंस डेफिनेटली आएगा, बट एडिशनली आपको चीज़ें मिलेंगी जैसे कि 360 डिग्री कैमरा, K15C इंजन एंड फर्स्ट रो तो हम बताना भूल ही गए, फर्स्ट रो में क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं वो आपको दिखा देती हूँ। एक्सएल 7 की ड्राइवर सीट कंफर्ट में तो बहुत बढ़िया है, बट इसमें आपको इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल सीट नहीं बल्कि मैनुअल एडजस्टेबल सीट मिल जाती है, जिसमें आपको फॉरवर्ड, बैकवर्ड, रिक्लाइन एंड हाइट एडजस्टेबल का ऑप्शन मिल जाता है। हालांकि मैनुअली इतनी थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील विद स्टीयरिंग मोशन कंट्रोल, जैसे कि वॉइस इंक्रीज डिक्रीज का, कॉल एक्सेप्ट डिक्लाइन का, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ, बट यहाँ पे क्रूज कंट्रोल मिसिंग है, जो कि हमारी एक्सएल 6 में आपको ऑफर किया जाता है, जो कि इंडिया में अगर एक्सएल 7 आएगी तो उसके साथ क्रूज कंट्रोल भी ऑफर किया जाएगा। इस तरफ आपको पुश स्टार्ट स्टॉप का बटन ऑफर किया गया है एंड ये रहा इसका पार्किंग सेंसर, ना ऑन ऑफ करने के लिए यहाँ पे कंट्रोल दिया गया, जो कि इंडिया में नहीं आएगा बिकॉज वहाँ पे कंपलसरी है, बट यहाँ पे आपको कंट्रोल मिल जाता है। हेडलाइट लेवलर एंड ये ना आपको टेक्सचर मिल जाता है, आपको ट्राई, आप कह सकते हो ट्राई कलर डैशबोर्ड, इसमें आपको हार्ड प्लास्टिक के ऊपर टेक्सचर मिल जाता है, कार्बन फाइबर नहीं है, ध्यान रखें, थोड़ा टेक्सचर आपको ऑफर किया गया है पैटर्न एंड साटन क्रोम की फिनिशिंग। ये जो साटन क्रोम होता है ना, एक तो क्रोम होता है थोड़ा सा हाईलाइटेड सा कलर, लाइक स्टील इसको आप कह सकते हो, बट इसमें आपको मैट क्रोम कह सकते हो, मैट क्रोम ये उसको साटिन क्रोम कहते हैं। इस तरह आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ये भी थोड़ा सा मुझे डिफरेंट लग रहा है, जिसका स्पीडोमीटर टैकोमीटर का जो डिज़ाइन पैटर्न है ना, थोड़ा सा मुझे डिफरेंट यहाँ पे नज़र आ रहा है। MID आपको 4.2 इंचेस की ऑफर करी जाती है। इंटरेस्टिंगली एक्सएल 7 पे आपको 10 इंचेस की स्क्रीन ऑफर की जाती है, जो कि सपोर्ट करती है एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले। नीचे आपको AC के कंट्रोल्स दिए गए हैं, छोटी स्क्रीन यहाँ पे आपको टेम्परेचर शो होगा एंड नीचे आपको चार्जिंग के लिए 12 वोल्ट का सॉकेट, USB-A टाइप चार्जिंग पोर्ट एंड HDMI पोर्ट दिया गया है। इसमें आपको एडिशनली वायरलेस चार्जर का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि आपको एक्सएल 6 में अभी ऑफर नहीं किया जाता, बट मुझे लगता है जब एक्सएल 7 इंडिया में आएगी तो ऑब्वियसली उसमें न्यू फीचर्स भी ऐड किए जाएंगे, सिर्फ सीट नहीं ऐड की जाएगी, न्यू अपडेशन भी आएंगे जिसमें वायरलेस चार्जर भी इंक्लूड होगा एंड कप होल्डर दिए गए हैं, जो कि कूलिंग फीचर के साथ आते हैं। बेनिफिट क्या है, कोल्ड ड्रिंक है आपकी, इसमें आप रखोगे उसको ठंडा रखने में हेल्प करेगा। 4-स्पीड टॉक कन्वर्टर एक्सएल 7 में, यहाँ पे वहाँ पे 6-स्पीड टॉक कन्वर्टर, टेंशन मत लीजिए,
स्लाइडिंग आर्मरेस्ट, हालांकि बहुत छोटी है, लाइक बस नाम है आपको, बस आर्मरेस्ट मिल जाती है, थोड़ा सा सपोर्ट आपको मिल जाता है। एंड इवन जो स्टोरेज स्पेस है ना उसमें छोटी छोटी चीज़ रख सकते हैं, जैसे कॉइन्स रख सकते हो, कीज रख सकते हो, स्लिप्स रख सकते हो, वो चीज़ें ही रखी जा सकती है, बड़ी चीज़ कोई नहीं रखी जा सकती। ग्लव बॉक्स में भी आपको डिसेंट स्पेस मिल जाती है, इस पर आप एक अपना 20-50 वाला लेस का पैकेट रख सकते हो। ओके, जॉक्स अपार्ट, इसमें आपको डॉक्यूमेंट्स रख सकते हो। एंड एसी इवेंट्स का डिज़ाइन थोड़ा सा डिफरेंट है XL6 से, जैसे कि मैंने आपको बताया, प्रॉपर आपको पैटर्न मिल जाता है जो कि अच्छा लग रहा है। एंड जब सीट्स यहाँ पे देख रही हो ना, ये एक्सेसरी का पार्ट है, लेकिन मुझे कूल लगी है बिकॉज जो हमने यहाँ पे बैंकॉक में जितनी भी गाड़ियाँ देखी है, मतलब मोस्टली कार्स उसमें ना ब्लैक इंटीरियर दिया गया है, जिससे थोड़ा सा ना सफोकेटेड सा महसूस हो रहा है, लाइक छोटी छोटी गाड़ी लग रही है। बट इन सीट की वजह से, एक तो गाड़ी है भी बहुत बड़ी और इन सीट की वजह से इनकी जो इंटीरियर लुक है वो इन्हेंस भी हो रही है, तब कुछ इस तरह की सीट कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया लगा। लाइक ऐसे मैंने कॉम्बिनेशन नहीं देखा, या तो सिर्फ इस कलर की देखी है, डार्क ब्राउन कलर की, या फिर बेज कलर की मैंने सीट्स देखी हैं, मतलब इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही उठ के आ रहा है। नेक्स्ट, इस तरह आपको कुछ भी नहीं मिलता, लाइक स्लिप होल्डर भी नहीं दिया गया, क्योंकि इस यहाँ पर छोटी सी स्पेस दी गई स्लिप होल्डर के लिए आर्मरेस्ट पे। IRVM आपको नॉर्मली मिलता है, लाइक मैनुअली एडजस्टेबल भी नहीं दिया गया, पता नहीं क्यों। और को ड्राइवर भी आपको छोटा सा मिरर ऑफर किया गया है। लाइट्स आपको हेलोजन ऑफर की गई हैं, जो कि मुझे लगता है कि एटलीस्ट जो टॉप वेरियंट है उनमें आपको LED ऑफर किए जानी चाहिए थी। लाइक एक तो इन्होंने लाइट भी कम दी है जो कि थर्ड रो में है, बट और दी भी हेलोजन है, तो वो थोड़ी सी मुझे चीज़ अच्छी नहीं लगी। आप फैमिली के साथ ट्रिप पे जाओगे तो गाने भी तो सुनोगे ना, उसके लिए आपको 6 स्पीकर सिस्टम ऑफर किया गया है, 4 स्पीकर + 2 ट्वीटर आपको मिल जाता है। इंडिया में जो XL6 ऑफर की जाती है उसमें फीचर्स में मुझे सिर्फ एक चीज़ की कमी लगती है, वो है सनरूफ, जो कि ऑफर की जानी चाहिए थी। बाकी ऐसे मुझे कोई भी कमी नहीं लगती, बिकॉज जब XL7 अगर इंडिया में आती है तो मुझे लगता है कि उसको प्लीज़ सनरूफ के साथ ऑफर किया जाए, बाकी फीचर जो हैं उसमें हम बहुत खुश हैं। तो प्लीज़ जल्दी मारुति लॉन्च करो XL7। आप भी कमेंट करके बताइए कि आपको XL7 चाहिए एंड कौन सा इसका फीचर अच्छा लगा, और ये न्यू कलर भी चाहिए आपको इंडिया में, वो भी कमेंट करके बताना। हमने बैंकों की बहुत सारी वीडियोज़ बनाई हैं और बहुत सारी वीडियो अपलोड होंगी जल्द ही चैनल पर, उसे चेकआउट ज़रूर कर ले, और न्यू वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको न्यू अपडेट्स मिलते रहें। सो मिलते हैं और बहुत सारी वीडियोस में, टेक केयर, बाय बाय।